और उधर टिस्को निबंधित श्रमिक संघ के बैनर तले सेवानिवृत्त श्रमिकों के साथ बच्चे और भाजपा नेता साधु चरण महतो ने टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय गेट पर एक दिवसीय उपवास पर बैठे। श्रमिक संघ के साथ टाटा स्टील से सेवानिवृत्त श्रमिक और उनके बच्चे व भाजपा नेता साधु चरण महतो टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय गेट पर उपवास के दौरान नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा नेता साधु चरण महतो ने टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि जब उनके भाई की रोजगार की बारी आई तो उन्होंने वरीयता के आधार पर भाई को बहाल कर दिया। अब श्रमिक पुत्रों की बारी आई तो एग्जाम के बेस पर बहाली करना चाहते हैं, क्योंकि रघुनाथ पांडे को बहाली के नाम पर रुपया लेना है। साधु चरण महतो ने रघुनाथ पांडे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि टिस्को के पैसे से पेट नहीं भरता है तो श्रमिक पुत्र चंदा कर पैसा देंगे। उन्होंने कहा कि श्रमिक संघ को उनका पूरा समर्थन है, वरीयता के आधार पर श्रमिक पुत्रों की बहाली हो, सीनियरिटी बेस के तौर पर बहाल होना चाहिए ना बल्कि एग्जाम। हम रघुनाथ जी से पूछना चाहेंगे और सवाल करना चाहेंगे कि आपका भाई का जब बारी आया तब आप सीनियरिटी के बेस पे बहाल करा दिए, अब जब मजदूरों का बारी आया तब आप एग्जाम के बेस पे बहाल करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पैसा कमाना है। अगर यूनियन का टिस्को का पैसा से आपको पेट नहीं भरता तो कर्मचारी पुत्र और कर्मचारी लोग आपको चंदा करके पैसा देंगे, आपको पैसा का अभाव होने नहीं देंगे। ये हमारा भी है और हमारा पूरा पूरे समर्थन है इनके साथ। जरूरत पड़ा तो हर किस्म का आंदोलन टेंटोपुसी प्रोजेक्ट के तर्ज पर हम आंदोलन करेंगे, लेकिन कर्मचारी पुत्र को सीनियरिटी बेस पर बहाल होने का आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे। वहीं शेरोसायरी से अपने आंदोलन का आगाज करते हुए संघ के अध्यक्ष परशुराम सिंह बागी ने टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे को ललकारते हुए कहा, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, रघुनाथ पांडे जैसे बेईमान यूनियन का राज बदलने के लिए आज हम लोग टाटा वर्कर्स यूनियन में अभिभावक एक दिन का सामूहिक उपवास कर रहे हैं। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। राजीव गांधी कांग्रेस आई के युवा नेता थे और कांग्रेस का ही एक विंग टाटा वर्कर्स यूनियन इंटक है और आज युवाओं को रोजगार से वंचित कर रहा है टाटा वर्कर्स यूनियन के माननीय रघुनाथ पांडे जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, तो रघुनाथ पांडे जी जीत जाए, तख्त बदलने वाली है, ताज भी बदलने वाली है और आप जैसे यूनियन अध्यक्ष बेईमान की राज भी बदलने वाली है। ये शपथ आज इसको निबंधित सर्विस ले लिया है।